आज हमने आप सबके लिए बनाई है बादाम की कतली। जैसे आप लोग काजू की कतली खाते हैं ना, उसी तरीके से हमने बादाम की कतली बना के आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। बिना गैस जलाए, बिना मेहनत किए हुए, बस ये 6 से 7 मिनट में ये हमारी कतली बनके तैयार हो गई। बहुत ही मुलायम, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट ये बनके तैयार हुई है। तो चलिए फिर इसको फटाफट से बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम की बर्फ़ी। तो आपने बादाम की बर्फ़ी खाई है, नहीं खाई है, तो चलिए इसको फटाफट से बनाते हैं। तो हमने ले लिया है बादाम है, ये हमने नारियल इस तरीके से लिया है, और ये खोया है, और हमने शक्कर ले लिया है। इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसको हमने नाप के लिया है, 1/2 कप हमने शुगर ले लिया है, चीनी, और इसी से और इसे जो मिल्क पाउडर हमने लिया है 1/3 कप, आप देख सकते हैं, इसी से हमने इन सारी चीज़ों को नाप कर ले लिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल के इन्हें हमें एक बारीक सा पेस्ट बना देना है। इसको हमें हटा देना है। बाकी ये चीनी, बादाम और ये नारियल, खोया, ये इन सारी चीज़ों को हमें जो है एक बारीक सा पाउडर बना लेना है। इसको हमने बहुत अच्छे से देखिए पीस लिया है, इस तरीके से हो गए हैं। इसमें बादाम की गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं है। जो ये मिल्क पाउडर है ना, इसको अब इसमें हम ऐड कर देंगे। यकीन मानिए, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप बाहर की मिठाई लाना भूल जाएंगे। जो आप मार्केट से महंगी महंगी मिठाई लाएंगे, लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, आप घर पर इनको हेल्दी मिठाई बना के घर पर खिलाइए। बहुत ही टेस्टी यम्मी ये मिठाई लगता है। और इसको आप अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए अपने हाथों की मदद से। तो देखिए, इसको हमने जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको हम इसमें सेट करेंगे, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह हमें इसे काटना है। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से पहले मसल लीजिए, मल लीजिए एकदम अच्छे से अपने हाथों को साफ करके, और बहुत अच्छे से जो है हमें इसे सेट कर देना है। फिर हमें इसे बादाम की बर्फ़ी बनाना है ना, जैसे काजू कतली बनती है वैसे ही ये बादाम कतली आज हमने बना के तैयार किया है। इसको खाइए, इंजॉय करिए, और दिवाली बनाइए, बहुत टेस्टी से ये हमारा मिठाई बनके। देखिए, बहुत अच्छे से ये ट्रे में हमने सेट कर दिया है, और इस पर हम लगाएंगे चांदी का वर्क। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, इसको हम लगा देंगे अच्छे से। देखिए यह कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ना, आप भी ऐसे लगा लीजिए आपके पास है। और इसको हम कट करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी ये हमारा मिठाई बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, ये देखिए। तो देखिए, हमारा जो है बादाम की बर्फ़ी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी यम्मी लग रही है। आप इसको दिवाली पे ज़रूर बना के खाइए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं आपको खिला तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं इसकी तारीफ तो मैं बहुत, मैं जितना करूँ ना उतना ही कम इसकी तारीफ़ में कर रही हूँ। मतलब बहुत ही टेस्टी यम्मी ये बना है हमारी मिठाई, ठीक है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई करिए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। ये बिना गैस जलाए, बिना मेहनत किए हुए, बिल्कुल 7 से 8 मिनट में ये हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या कभी आपने इस तरीके से मिठाई बनाई है या नहीं। मिलते हैं अगले सीरीज में। अल्लाह हाफिज़, बाय।